दोस्तों, ग्रीन टी का हेल्थ डिक्शनरी में विशेष स्थान हासिल है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने वाले लोग, खासतौर पर डाइटिंग करने वाले लोग, इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। आजकल एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ग्रीन टी के नुकसानों के बारे में बताया जा रहा है। इससे लोगों के मन में आशंकाएं पनप रही है। सच्चाई ये है कि ग्रीन टी के कई फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि इसे कैसे पिएं। तो आइए जानते हैं। ग्रीन टी को खाने के साथ नहीं पीना चाहिए। दरअसल ग्रीन टी में कैटेचिन मौजूद होता है। ये तत्व शरीर में आयरन के अवशोषित होने में दिक्कत पैदा करता है, जिससे शरीर में आयरन की समस्या हो सकती है। इसीलिए अगर ग्रीन टी पीनी भी है तो दो मील के बीच में पिएं और खाने में विटामिन सी और आयरन की मात्रा बढ़ा दें। गर्भवती या स्तनपान करवाने वाली स्त्रियों को दिन में 2 कप से ज्यादा ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। इसका ज्यादा मात्रा में सेवन गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इतनी मात्रा में 200 mg कैफीन होता है। इससे अधिक कैफीन गर्भावस्था में खतरनाक हो सकता है। कैफीन दूध के जरिए शिशु तक भी पहुँचता है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। 1 कप ग्रीन टी में 24 से 25 mg कैफीन होता है। अगर आप दिन में 4 से 5 कप ग्रीन टी पीते हैं तो कैफीन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि इसके कारण घबराहट, चक्कर, डायबिटीज, कब्ज, अनिद्रा और सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खाली पेट भी ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे एसिडिटी की समस्या हो सकती है। ग्रीन टी कुछ दवाओं के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाती है, खासतौर पर ऐसी दवाएं जो नर्वस सिस्टम के लिए होती है, उनके साथ ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। दरअसल ग्रीन टी में मौजूद कैफीन नर्वस सिस्टम को प्रोएक्टिव कर देता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस वह स्थिति है जब कैल्शियम की अधिक कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। ग्रीन टी की वजह से हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं हो पाता और वह शरीर से बाहर निकल जाता है। ऐसे में कैल्शियम की कमी ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम बढ़ा सकती है।